नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमें टूर ऑपरेटर्स ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुलाया और पर्यटन से जुड़ी समस्याएं बताई। वाटर स्पोर्ट्स में लगी फ्लोटिंग जट्टी की सीढ़ी टूटी हुई है। यह जट्टी करीबन 3 महीने पहले ही टूट चुका था, परंतु इसे बनाया नहीं गया। इस वजह से टूरिस्टों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। टूर ऑपरेटर्स ने यह भी कहा कि जितने भी फाइबर बोट चल रहे हैं उसमें यात्रियों को पूरे क्षमता के साथ चलाने की अनुमति नहीं दी गई। उन सभी का मांग है प्रशासन से कि जल्द ही फाइबर बोट को पूरे क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर, और मेरे साथ है यहाँ पर कुछ ट्रैवल एजेंट्स, कुछ बोट ऑपरेटर, कुछ जेटस्की ऑपरेटर्स, और आइए हम इनसे बात करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में डीसी सर द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जनवरी 10 को, और इम्प्लीमेंट हुआ था जनवरी 11 से, सारा टूरिस्ट स्पॉट बंद करने का उन्होंने मतलब मेंशन किया था। तो उसके चक्कर में काफ़ी जो भी बोट वाले हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबका रोजी रोटी बंद हो चुका था। और फरवरी 3 तारीख को फिर एक नया एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें सिर्फ लाइट एंड साउंड शो ओपन मतलब करने का था। और उसके बाद अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही करीबन 4-5 दिन पहले ही और एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें सारा टूरिज्म का एक्टिविटीज ओपन करने का उन्होंने बात कही थी, डीसी सर ने ऑर्डर निकाला था। तो आइए इसी विषय में हम यहाँ में जितने भी बोट ऑपरेटर्स हैं हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जो आपके जो आप तक न्यूज़ चैनल है ये हमारे साथ हमेशा खड़े थे। कहीं भी हमको कुछ भी तकलीफ़ होता था तो आप ज़रूर आते थे, हमारे साथ देते थे। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया था। और जो हमारा एक लास्ट ऑर्डर आया था 10 जनवरी को कि गैरा से सब टूरिज़म जो भी टूरिस्ट स्पॉट है सबको बंद करने के लिए अचानक से ऑर्डर आया था, तो उसमें हम लोग बहुत शौक हो गए थे कि अचानक से ऐसा ऑर्डर है। क्योंकि 2 साल से हम लोग ये झेल रहे हैं कोविड को, जैसे थोड़ा सा शुरू हुआ था चलना, थोड़ा सा गेस्ट आना शुरू हुआ था, भी अचानक से एक ऑर्डर आता है कि इसको बंद कर दिया जाए करके। तो इससे हमको बहुत तकलीफ़ हुआ है, और जितने भी टूरिज्म यहाँ पर टूरिज्म स्टॉक होल्डर है जो भी है सबको तकलीफ है, जैसे बोट वाले हैं, गाड़ी वाले, होटल वाले, सभी को तकलीफ हुआ है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसा कुछ अगर स्टेप लेंगे आप लोग तो प्लीज़ हमको एक नोटिस दीजिएगा 10 दिन का, ताकि हम लोग इसके लिए कुछ बैकअप कुछ कर सके, कि अचानक से बंद करने से बहुत जन को अफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो फ्लोटिंग जट्टी जो है से यात्री यहाँ पर उतर के बोट पर चढ़ते हैं, तो ये पूरी तरह ये टूट चुका है। ये अबर्डीन जट्टी से अलग हो चुका है ये फ्लोटिंग जट्टी जो बनाया गया था। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, ये हादसा हुई थी पिछले साल दिसंबर में, और करीबन दिसंबर को मिला के अभी 3 महीना हो चुके हैं, दिसंबर को मिला के तो अभी तक जट्टी को बनाया नहीं गया, और दो बार मतलब टूरिज्म बंद भी हो चुकी थी और अभी फिर से खुली है। और इसीलिए हम यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और टूरिज्म से जुड़े जितने भी लोग हैं हम उनसे बात करने आए हैं। तो सर बताइए, ये हमने सभी को कहा है कि इसको फिलहाल बनाने के लिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि हमको छोटा फ्लोटिंग से बहुत दिक्कत हो रहा है। और जो रॉस आइलैंड का जो फ्लोटिंग है ये जो अमित शाह जी जब आए थे तब से टूटा पड़ा है, और वो जो है पूरा यहाँ पर ला के रखे थे, देखिए आप भी देख सकते हैं पूरा टुकड़ा वगैरह सब बह के चला गया है। रॉस आइलैंड में तो जट्टी है ही नहीं। हम लोग बहुत बार बोले कि रॉस आइलैंड में फ्लोटिंग जट्टी एंड हमारा जो एबर्डीन जट्टी में जो फ्लोटिंग जट्टी ये हमको तुरंत बना के देना, क्योंकि हमारा छोटा बोट फाइबर का है, ये जो है सीमेंटेड जट्टी में जब जाता है तो वो बहुत डैमेज होता है, और ये फ्लोटिंग जट्टी में क्या हो ये डैमेज नहीं होता, बहुत सेफ रहता है, गेस्ट को भी सेफ होता है उतरने चढ़ने में, और बोट भी हमारा सेफ रहता है। तो प्लीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खास तौर से डीसी सर को, कि सर थोड़ा सा प्लीज़ इसको जल्दी बनाइए, तो ताकि हमारा ये यहाँ से जो भी बोट ऑपरेटर है हम लोग यहाँ से कर सकें। थैंक यू। आइए इसी विषय में हम और एक हमारे साथ बोट ऑपरेटर है उनसे भी बात। हमारा नाम सरजीत है सर, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि हमारा कैपेसिटी बढ़ा दी, जबकि आप लोग सब चीज़ का बढ़ा दिए हमारा बोट को भी बढ़ा दिए, बस इतना ही गुजारिश। फिलहाल कितनी सीटिंग कैपेसिटी है? अभी 70% ही है सर, हम लोग को 100% चाहिए, बाकी बस वगैरह में तो दे दिए, तो हमको भी देना चाहिए। तो आइए यहाँ पर और एक बोट ऑपरेटर है हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए जी। मेरा नाम शकील है। सबसे पहले तो धन्यवाद हम लोग करना चाहते हैं पूरे बोट एसोसिएशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहते हैं जो कि हमारा टूरिज्म जो भी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करते हुए
टूरिज्म सारा सभी स्पॉट्स मतलब ओपन हो चुका है, सभी एक्टिविटीज़ भी ओपन हो गया है, तो इससे गेस्ट को भी मतलब गेस्ट को भी घूमने के लिए अच्छा लगेगा जो भी है। और अभी जैसा कि सब भैया लोग ने अभी बताया कि हमारा कैपेसिटी है 70% और सभी यहाँ पे 10-सीटर बोट है, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब एडमिशन से हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा भी मतलब कुछ कंसीडर करके मतलब हमारा भी कैपेसिटी 100% कर दिया जाए, ताकि सभी बोट ऑपरेटर्स को आसानी हो। और जेट्टी का भी जैसा मैटर है कि जैसा कि ये जो बड़ा वाला पंटून जो था जो डैमेज हो चुका है लास्ट जो साइक्लोन में, ये अगर जल्दी से जल्दी बन गया तो गेस्ट को भी यहाँ से निकलने के लिए आसानी होगा, ताकि उसमें एक साथ में 2-3 बोट बिड़ा के मतलब निकल सकता है जल्दी से जल्दी। अभी जो छोटा पंटून जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये पंटून में केवल हम लोग एट ए टाइम एक ही बोट बिड़ा के मतलब गेस्ट को चढ़ा सकते हैं, तो गेस्ट को भी मतलब देर होता है यहाँ से निकलने के लिए, तो गेस्ट को भी आसानी होगा अगर छोटा बड़ा पंटून अगर जल्दी से जल्दी बन गया। तो ये हमारे यहाँ के टूरिज्म से जुड़े बोट ऑपरेटर्स और स्टेक होल्डर्स, और तो इन लोगों का ये मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द अबर्डीन जट्टी का जो फ्लोटिंग जट्टी है यहाँ पर जो है, जो फ्लोटिंग जट्टी जो फाइबर बोट्स को भिड़ने के लिए यहाँ पर बनाया गया है और यात्रियों को यहाँ पर उतरने के लिए, जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण किया जाए। ये टूट चुका है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। और इन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की है कि ज़रा सीटिंग कैपेसिटी को आप लोग बढ़ा दीजिए बोट का, और भी कुछ इन्होंने मांग रखा है। तो इसी के साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इसके ऊपर थोड़ा नज़र बनाएं। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।